किसान मित्रों, आज के समय में यूरिया के दुष्परिणामों से लगभग हम सभी वाकिफ हो चुके हैं। कृषि में यूरिया कृत्रिम फर्टिलाइजर का एक मुख्य स्रोत है, लेकिन इसके उपयोग को निरंतर कम करने पर जोर दिया जा रहा है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए अब वैज्ञानिकों ने इसका आंशिक विकल्प भी खोज लिया है, जिसका इस्तेमाल कर हम यूरिया के साइड इफेक्ट्स को कम कर सकते हैं। इस विकल्प का नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी शैवाल। दरअसल यह एक बायो फर्टिलाइजर है जो पर्यावरण में मौजूद नाइट्रोजन को अपने में मिलाकर पौधों को दे देता है। एक किलोग्राम एल्गी एक बैग यूरिया जितना असरदायक होता है, या यूं कहें कि एक हेक्टेयर में 50 रुपए की एल्गी एक बैग यूरिया का काम करेगी तो गलत ना होगा। खास बात यह है कि इसे आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि ब्लू ग्रीन एल्गी यूरिया का पूरा नहीं बल्कि एक आंशिक विकल्प है, इसलिए अगर आप पूरी तरह से जैविक खेती करने में असमर्थ हैं तो आप यूरिया को खेत में तो डालें, लेकिन अगर 4 बैग की जरूरत है तो 3 बैग ही खरीदें। चौथे की जगह पर आप 1 किलोग्राम एल्गी का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान मित्रों, आपको बता दूं कि हवा में 78% नाइट्रोजन मौजूद है, दूसरी ओर 100 किलोग्राम यूरिया में केवल 46% नाइट्रोजन ही आता है, उसमें से भी कुछ हवा में उड़ जाता है। ऐसे में किसानों के लिए ब्लू ग्रीन एल्गी एक बहुत अच्छा विकल्प है। इसमें फायदा यह है कि यूरिया मिट्टी की क्वालिटी को खराब करता है, जबकि एल्गी उसे सुधारने का काम करता है। जहां तक इसके इस्तेमाल का सवाल है, तो आप पाउडर के रूप में उपलब्ध एल्गी का उपयोग कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल खासतौर पर उन फसलों के लिए किया जा सकता है जिनमें ज्यादा पानी की जरूरत होती है। धान के खेत में रोपाई के 2 से 3 दिनों के बाद आप इसे डाल सकते हैं। खेत में पानी रहेगा तो इसका अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। किसान मित्रों, अगर धान उगाने वाले आधे क्षेत्र में ब्लू ग्रीन एल्गी का इस्तेमाल किया जाए तो 1 मिलियन टन रासायनिक नाइट्रोजन की बचत हो सकती है, क्योंकि यह प्रति हेक्टेयर 25 किलोग्राम नाइट्रोजन का योगदान करता है। तो किसान मित्रों, ये था आज का कृषि पिटारा। मुझे उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको काफी पसंद आया होगा। आप सुनते रहिए रेडियो पिटारा, मिस्ड कॉल लगाओ, सुनते जाओ।